इसराइल पर ईरान ने हमला बोला, रॉकेटों की बारिश कर दी, और जाहिर सी बात है कि इस पर पलटवार भी होगा क्योंकि अमेरिका ने फुल सपोर्ट इसराइल को अपना दे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के साथ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो साथ खड़े हैं, तो ऐसे में दुनिया दो धड़ों में बट चुकी है। अब दुनिया में क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी शुरू हो चुकी है, आइए इस पर रिपोर्ट देखते हैं। किसने सोचा था कि पिछले साल 7 अक्टूबर से इसराइल पर हुआ हमास का हमला अरब देशों में महायुद्ध की शुरुआत है। लेकिन असल में ये महायुद्ध की वो चिंगारी थी जिसे भड़काया इस्माइल हानिया ने, उसे हवा दी नसरल्ला, हूथी विद्रोही और खामनेई। लेकिन उस चिंगारी को दहकता आग का गोला बनाकर उन्हीं के ऊपर बरसा रहे हैं बेन्यामिन नेतन्याहू। नतीजा ये हुआ कि आज इस महायुद्ध को लेकर दुनिया दो फाड़ हो चुकी है। एक तरफ है इसराइल गुट तो दूसरी तरफ है ईरान गुट। इसराइल पर हमले के पहले दिन से उसके साथ दुनिया का सबसे ताकतवर देश सुपर पावर अमेरिका खड़ा है। इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत यूरोप के ज्यादातर देश इसराइल के समर्थन में हैं। और असल में दुनिया के यही वो देश हैं जिनके समर्थन से इसराइल की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ इसराइल के दुश्मन नंबर वन ईरान के साथ फिलिस्तीन, तुर्की, लेबनान, सीरिया, कतर और ओमान जैसे देश हैं। रूस और चीन भी ईरान के साथ खड़े हैं। हालांकि अभी देशों ने ईरान को खुला समर्थन नहीं दिया। दुनिया भर के युद्ध विशेषज्ञ सैन्य ताकत के मामले में इसराइल और ईरान के बीच बराबरी की टक्कर मानते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ईरान दुनिया में 14वें नंबर पर है तो इसराइल 17वें नंबर पर है। सेना, हथियारों और फाइटर जेट्स के लिहाज से भी दोनों देश एक दूसरे को अलग अलग मोर्चे पर टक्कर देते हैं। इसराइल और ईरान में से किस मोर्चे पर किसका पड़ना भारी है, किसकी ताकत ज्यादा है, ये चार्ट के जरिए समझा जा सकता है। ईरान के पास कुल विमान 551 हैं और इसराइल के पास 612। ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स हैं तो इसराइल के पास 241। ईरान के पास हेलीकॉप्टर 129 हैं तो इसराइल के पास 146। ईरान के पास 1996 टैंक हैं तो वहीं इसराइल के पास 1370। ईरान के पास 65,765 हथियारबंद गाड़ियां हैं तो इसराइल के पास 43,407 गाड़ियां हैं। ईरान के पास 101 वॉरशिप हैं तो इसराइल के पास 67 वॉरशिप हैं। ईरान के पास 19 सबमरीन हैं तो इसराइल के पास 5 सबमरीन हैं। ईरान के पास 6,10,000 सैनिक हैं तो इसराइल के पास 1,70,000 सैनिक हैं, जबकि ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व फोर्स है तो इसराइल के पास 4,65,000 रिजर्व फोर्स है। ईरान का रक्षा बजट 9 अरब डॉलर है तो इसराइल का 24 अरब डॉलर है। आंकड़ों के हिसाब से ईरान कई मोर्चों पर इसराइल पर भारी नजर आता है, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक असल में ऐसा नहीं है। ईरान के पास सैन्य बल और हथियार ज्यादा दिखते हैं लेकिन वो पुराने हैं, उनका रखरखाव भी बेहतर नहीं है। ईरान पर कई पाबंदियां लगी हुई हैं। दूसरी ओर इसराइल के पास अत्याधुनिक हथियार हैं। पश्चिम एशिया में चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद वो अपनी लड़ाइयां लड़ता रहा है और जीतता भी रहा है। बेशक उसके पीछे अमेरिकी मदद रही है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच कोई युद्ध हुआ तो वो ईरान और इसराइल के बीच तक सीमित नहीं होगा, इसमें और भी ताकतें शामिल हो जाएंगी।
जिसके बाद दुनिया दो हिस्सों में बट जाएगी। तब दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का संकट मंडराने लगेगा। अगर इस महायुद्ध का दायरा दोनों गुटों के सहयोगी देशों तक फैलता है तो देखते ही देखते ये महायुद्ध तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से ईरान वर्षों से अमेरिका की नजर में खटक रहा है। ऐसे में इजराइल पर ईरान का हमला उसके लिए बड़ा आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। ईरान के चारों तरफ अमेरिका ने सामरिक शतरंज के मोहरे तैनात कर दिए हैं। भूमध्य सागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक और सीज नहर से लाल सागर तक और अदेन की खाड़ी से भारत की खाड़ी तक अमेरिकी नौसेना की तैनाती है। इसके अलावा जॉर्डन, सीरिया, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, इराक, यूएई, ओमान में अमेरिकी सेना के बेसिस हैं, जहां हजारों की संख्या में अमेरिकी सेना तैनात है। डिफेंस सिस्टम के साथ साथ रक्षात्मक और हमले करने के लिए तैयार सेना है। ऐसे में ईरान एक साथ इजराइल और अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, उसे बाकी देशों के हथियार और सैन्य मदद की दरकार होगी। ऐसे में जो भी देश ईरान के साथ खड़ा होने का फैसला करेगा वो भी युद्ध की आग में जल सकता है।